पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण शहर में हो रहे अवैध निर्माणों पर पैनी नजर रखे हुए है। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नियमित रूप से अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। शुक्रवार को प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ढक्का में लगभग 3 बीघा भूमि पर अवैध रूप से की गई प्लॉटिंग, उसे भी ध्वस्त किया गया। इसी तरह लाकड़ी फाजलपुर में लगभग 5 बीघा भूमि पर कराए गए अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की गई। इसके साथ ही ढक्का में राम सिंह सैनी द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर भी सील लगाकर कार्रवाई की गई। आज की इस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता सागर गुप्ता, अवर अभियंता आरपी यादव, प्रवर्तन टीम के कर्मचारियों के साथ थाना मझूला की भारी पुलिस बल उपस्थित रही। प्राधिकरण के अधिकारियों ने जनमानस से अपील की है कि बिना प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए कोई भी निर्माण कार्य न करें। ऐसा पाए जाने पर प्राधिकरण द्वारा सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए कभी भी उसे ध्वस्त किया जा सकता है। इसी प्रकार बहुत स्थानों पर अनियोजित रूप से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। ऐसे समस्त भूखंड अवैध हैं और भूखंडों पर कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। आज प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा ढक्का कुंदन पर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वहां पर अवैध प्लॉटिंग लगभग 15 बीघा एरिया में की गई थी, जिसको वेद प्राधिकारी के आदेशों के अनुक्रम में उसके आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टीम द्वारा की गई है। किस तरह की कार्रवाई रह रही है? तो पुराने हैं, पेंडिंग भी कुछ जगह पर देखने को मिल रही थी, अवैध अतिक्रमण लगातार चल रहा था, उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई? नहीं, जितने भी ध्वस्तीकरण के आदेश वेद प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित किए गए हैं और उनमें कोई अपील आदि पेंडिंग नहीं है, तो उन सभी आदेशों का क्रियान्वयन कराया जाएगा। तो एमडी लगातार एक अभियान चलाकर एक कार्रवाई कर, लेकिन कुछ जेई और ईस के क्षेत्रों में लगातार अतिक्रमण हो रहा है, या कोई अवैध निर्माण किया जा रहा है, और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई? जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उनको चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसको किया जा रहा है, और उसमें जल्दी से जो भी डेट है वो लगा के नियमित रूप से सुनवाई करके और उनमें ध्वस्तीकरण के आदेश पारित करा के उनमें कार्रवाई की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।